हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर कॉमर्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बैंक रिकर्सिव स्टेटमेंट है। जैसा आप सब जानते, बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बच्चों के दिमाग में नहीं आता, प्रॉब्लम आती है। लेकिन वादा करता हूँ, आधे घंटे आप मेरे साथ बने रहिएगा, इस टॉपिक में आपको कभी कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा कि बैंक रिकंसिलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, रिकंसिलेशन जो ये वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। ठीक है, क्या करना? एडजस्टमेंट करना। और जब भी एडजस्टमेंट की बात की जाती है तो दोस्तों, एडजस्टमेंट दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में की जाती है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट किन के बीच में की जाती है? जहाँ पर एडजस्टमेंट कैश बुक और पासबुक के बीच में की जाती है। ठीक है, कैश बुक एंड पासबुक। अब ये कैश बुक पासबुक, तो देखिए कैशबुक आपने इससे पहले वाले चैप्टर में बना भी रखा, आप जानते हैं कि भाई कैशबुक कैसे बनाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कैशबुक कौन बनाता है, तो आप कहेंगे कैशबुक ना बिजनेस बनाता है। बिजनेस ना अपना सारा हिसाब किताब रखता है कि भाई मैंने बैंक में कितने पैसे जमा किए, मैंने बैंक से कितने पैसे निकाले, अब मेरा बैंक में बैलेंस कितना है। तो सारा हिसाब बिजनेस खुद भी रखता है। तो जिस जगह वो खुद रखता है, उस किताब को हमने नाम दिया कैशबुक। क्या यही सारा हिसाब बैंक भी रखता होगा अपने सभी कस्टमर्स का? तो बिल्कुल रखता ही होगा, क्यों नहीं रखता होगा। तो बैंक जहाँ पे हिसाब रखता है, उस बुक को हमने नाम दिया पासबुक। यानी पासबुक जो है, इसमें लिखने की पावर या इसको बनाने की पावर किसके पास है, या ये कौन बनाता है? बैंक बनाता है। तो कैशबुक कौन बनाता है? बिजनेस। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। अच्छा, दोनों एक ही चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैशबुक में क्या हो रहा है? बिजनेस अपना हिसाब खुद रिकॉर्ड कर रहा है। पासबुक में क्या हो रहा है? यही हिसाब अपने कस्टमर्स का कौन रख रहा है? बैंक रख रहा है। ठीक है, तो मेरा एक सवाल है आपसे, सोच के बताइएगा या सोचिएगा कि कैशबुक का बैलेंस और जो पासबुक का जो बैलेंस है, क्या एक जैसा होता होगा? हाँ जी, कैशबुक और पासबुक का बैलेंस एक जैसा होता होगा? तो जवाब है हाँ। क्यों नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा, क्योंकि कैशबुक जो है बिजनेस बना रहा है अपना, भी भाई मैंने बैंक में पैसे जमा किए, मैंने बैंक से पैसे निकाले, बैलेंस कितना बचा। बैंक भी यही काम कर रहा है कि भाई कस्टमर्स ने कितने पैसे जमा किए, कितने पैसे विड्रॉ किए, अब उसका बैंक में बैलेंस कितना है। यानी एक ही चीज़ का रिकॉर्ड दोनों लोग कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहा है, बैंक भी कर रहा है। तो इसका मतलब कैशबुक और पासबुक में जो है, जो बैलेंस है, वो एक जैसे आने चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, कैशबुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ जाते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंसेस किन कारणों से आते हैं, वो अभी हम देखेंगे, समझेंगे। असल में इन डिफरेंसेस के कारण देखने, और इसी वजह से ये चैप्टर बना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कि जी दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंसेस आ रहे हैं जो कि आने नहीं चाहिए थे, तो दोनों में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो कारण देखने पड़ेंगे किन कारणों से दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको देखो, इस चैप्टर का बेस समझ में कि ये हमें पढ़ना क्यों है, इसमें हम पढ़ते क्या है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि भाई दोनों में डिफरेंस आने के कारण क्या है, भाई क्यों आता है डिफरेंस, अब उसको देखते हैं। चलिए, तो देखिए, अब इसे हम कहते हैं कॉजेस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। कॉजेस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक बैलेंसेस, कि भाई इन दोनों में डिफरेंस आने के कारण क्या होंगे। वैसे देखिए, डिफरेंस आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमने क्या करा, हमने उन सभी कारणों को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। कितने पार्ट में? सिर्फ दो पार्ट में। नंबर वन हम कहते हैं टाइमिंग गैप। टाइमिंग गैप यानी कि कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें कैशबुक में पहले रिकॉर्ड हो जाती हैं, पासबुक में बाद में रिकॉर्ड होती हैं, जिस वजह से दोनों में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और दूसरा हम कहते हैं एरर्स, कि देखो हम लोग इंसान हैं, इंसानों से देखो गलतियाँ हो सकती हैं, तो ये जो गलतियाँ होती हैं उन वजह से भी दोनों में डिफरेंस आ जाता है। यानी कैशबुक का बैलेंस अलग हो जाता है और पासबुक का डिफरेंस बैलेंस अलग हो जाता है, क्योंकि जो एरर हुआ या तो कैशबुक में एरर होगा या फिर पासबुक में, दोनों जगह तो एरर हो नहीं सकता। तो जिस भी जगह एरर हुआ होगा उसका बैलेंस अलग आ गया होगा दूसरे वाले बैलेंस से। ठीक है, तो एक होता है टाइम गैप और दूसरा होता है एरर। अब देखिए, टाइम गैप को थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, टाइमिंग गैप में क्या होता है कि भाई यहाँ पर ना कैशबुक में ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड हो जाती है और पासबुक में बाद में। मतलब ऐसा नहीं कि पासबुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, होगा, लेकिन कुछ दिनों का गैप होगा, कुछ टाइमिंग गैप होगा, कहीं पे पहले रिकॉर्ड हो गया, यानी कैशबुक में पहले रिकॉर्ड हो गया और पासबुक में बाद में। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है कि पासबुक में पहले रिकॉर्ड हो जाए और कैशबुक में बाद में।
तो पासबुक में क्योंकि पहले रिकॉर्ड हो गया और कैशबुक में कुछ दिन के बाद रिकॉर्ड होगा, तो उतने दिन तक दोनों में डिफरेंस आएगा। देखिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए मेरा ये हाथ है, ये पासबुक समझ लीजिए, इसको कैशबुक समझ लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ ट्रांजेक्शन कैशबुक में पहले रिकॉर्ड हो गई, तो देखिए कैशबुक में अगर रिकॉर्ड हो गई तो कैशबुक में या तो देखो बढ़ेगा बैलेंस या कैशबुक में बैलेंस कम होगा, ठीक है। तो देखो पासबुक तो वहीं की वहीं रहे ना, ये टाइमिंग गैप है, कैशबुक में पहले रिकॉर्ड हो गया तो कैशबुक में पहले रिकॉर्ड होगा, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, पर वो चीज़ अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई तो बैलेंस पासबुक का कम आएगा, है ना। दोनों में डिफरेंस आएगा कहने का मतलब, ठीक है, या फिर कैशबुक कम हो गई, ठीक है, तो फिर से दोनों में डिफरेंस आएगा। तो यही कुछ कारण है जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आता है, ठीक है। अच्छा उल्टा देखो, जैसे मान लो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो पासबुक में अगर पहले रिकॉर्ड हो गया तो पासबुक का या तो बैलेंस बढ़ जाएगा या पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। और वो ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, होगी लेकिन कुछ दिन के बाद, जैसे यहाँ पे पासबुक में पहले रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, तो उतने दिन तक जब तक ये कैशबुक बढ़ नहीं रही तब तक दोनों में डिफरेंस आएगा। हाँ उस दिन क्या दोनों बैलेंस बराबर हो जाएंगे, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन उतने दिन तक तो दोनों में डिफरेंस आया। तो हमें वही चीज़ें देखनी है जो चीज़ें एक जगह तो रिकॉर्ड हो गई पर दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है, या इधर रिकॉर्ड हो गई पर इधर रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। और दूसरा होता हमारा एरर, कि भाई कैशबुक में या पासबुक में एरर हो गया, जैसे मान लीजिए कैशबुक में कोई एरर हो गया उस वजह से कैशबुक बढ़ गई है, तो पासबुक तो नहीं बढ़ी ना और बढ़ेगी भी नहीं, तो बताओ दोनों में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एरर से या तो कैशबुक बढ़ सकती है या फिर कैशबुक कम हो सकती है, सेम ऐसी एरर पासबुक में भी हो सकता है। वैसे बैंक लोग बैंक में ना एरर की गुंजाइश कम होती है, कि बैंक में ना गलतियाँ कम होती हैं, लेकिन फिर भी देखो वहाँ पे भी इंसान काम कर रहे हैं, ठीक है, हजारों लाखों ट्रांजेक्शन में कोई एक गलती हो सकती है, अगर वो गलती होती है तो क्या होगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा या पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, क्लियर है बात। तो देखिए इसको लिखते हैं, देखिए टाइमिंग गैप में हम आगे फर्दर दो पार्ट बना सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट क्या कि ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट नॉट इन पासबुक, ठीक है, या फिर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट इन कैशबुक, ठीक है, यानी कैशबुक में रिकॉर्ड हो गया पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या पासबुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है। और कैशबुक में जब रिकॉर्ड होगा तो क्या होगा, या तो कैशबुक हमारी बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी, यानी इंक्रीज इन कैशबुक बट नॉट इंक्रीज इन पासबुक, ठीक है, यानी कैशबुक में तो रिकॉर्ड हो गया यानी कैशबुक तो बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, या फिर उल्टा भी हो सकता है, क्या डिक्रीज इन कैशबुक बट नॉट डिक्रीज इन पासबुक, कि मेरी कैशबुक तो कम होगी लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। सेम ऐसे ही पासबुक में भी हो सकता है कि भाई पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैशबुक में नहीं, यानी इंक्रीज इन पासबुक बट नॉट इंक्रीज इन कैशबुक, ठीक है, और दूसरा डिक्रीज इन पासबुक बट नॉट डिक्रीज इन कैशबुक, ठीक है, यानी पासबुक में रिकॉर्ड हो गया यानी पासबुक या तो बढ़ गई लेकिन कैशबुक नहीं बढ़ी, जिस वजह से दोनों में डिफरेंस आएगा, या फिर पासबुक कम हो गई लेकिन कैशबुक कम नहीं हुई, जिस वजह से फिर से अगेन दोनों में डिफरेंस आएगा, ठीक है। और अगर एरर्स की बात करें तो जी एरर्स में क्या होगा, तो भाई देखो पहला पॉइंट कि एरर इन कैशबुक ओनली, ठीक है, या तो सिर्फ कैशबुक में गलती हुई होगी या फिर एरर इन पासबुक ओनली, कि सिर्फ पासबुक में गलती हुई है, भाई कहीं ना कहीं तो गलती होगी ना, तो जिस वजह से दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो इस एरर का नतीजा क्या होगा, तो जी इस एरर का नतीजा क्या होगा, या तो कैशबुक में अगर गलती हुई है तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई एरर में क्या होगा, कोई गलती हुई है तो उस गलती से कैशबुक या तो बढ़ेगी या फिर कैशबुक कम होगी, तो कहेंगे इंक्रीज इन कैशबुक बट नॉट इंक्रीज इन पासबुक, या फिर डिक्रीज इन कैशबुक बट नॉट डिक्रीज इन पासबुक, ठीक है, यानी यहाँ पर तो क्या रीज़न अगर देखे तो देखो हेडिंग बदल रही है यहाँ पर, ठीक है, अगर कॉजेस में टाइम गैप की अगर बात करें तो टाइम गैप में हमारी हेडिंग बदल रही है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट नॉट इन पासबुक, और इधर एरर इन कैशबुक ओनली, लेकिन उसका जो इफेक्ट अगर बोलें तो इफेक्ट सेम है, कि भाई या तो कैशबुक बढ़ेगी या फिर कैशबुक कम होगी, लेकिन हाँ वो ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है, और एरर में भी सेम ऐसे ही कि कैशबुक बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, ठीक है, या कैशबुक कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई, और अगर एरर इन पासबुक ओनली होगा तो वही इंक्रीज इन पासबुक बट
नॉट इंक्रीज इन कैश बुक, ऐसे डिक्रीज इन पासबुक बट नॉट डिक्रीज इन कैश बुक। अब देखिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई कि भाई अंतर आने के कारण क्या है। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले एक बार BRS की डेफिनेशन देख लीजिए, ठीक है, कि भाई डेफिनेशन क्या है। तो देखिए लिखा है BRS जो है ये स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हम किसी भी दिन बना सकते हैं, पर्टिकुलर डेट विच मे बी एनी डे ऑफ द ईयर। और ये जो हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, टू रिकनसाइल, क्या करने के लिए, रिकनसाइल यानी एडजस्ट कर रहे हैं, हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किनके बीच में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, यानी कि हम देख रहे हैं कि भाई दोनों में जो अंतर आने के जो कारण है वो किस वजह से अंतर आ रहे हैं, और उनको जब हम रिकनसाइल करते हैं और देखते हैं कि हाँ जी सारी एरर हमारी जो कम जो अंतर आने के जो कारण है वो हमें आइडेंटिफाइड हो गए, पता चल गया, तो उस वजह से हम BRS का जो है बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक रिकैप कर लेते हैं। देखिए हमने जो अभी तक पढ़ा कॉजेस फॉर डिफरेंसेस, तो कॉजेस फॉर डिफरेंसेस में देखो दो कारण है, एक तो टाइम गैप और दूसरा एरर्स। अच्छा, टाइम गैप से क्या होगा, ट्रांजेक्शन जो है कैशबुक में तो रिकॉर्ड हो गई लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, है ना, या फिर वही पासबुक में रिकॉर्ड हो गई लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। तो इससे होगा क्या, भाई कैशबुक में रिकॉर्ड हो गई लेकिन पासबुक में नहीं हुई, तो कैशबुक जो है हमारा इंक्रीज हो गया लेकिन जो है हमारा पासबुक अभी इंक्रीज नहीं हुआ। फिर सेम ऐसे डिक्रीज इन कैशबुक बट नॉट डिक्रीज इन पासबुक, सेम ऐसे अगर पासबुक में रिकॉर्ड हो गया लेकिन कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो भाई पासबुक या तो बढ़ जाएगी या पासबुक हमारी कम हो जाएगी, लेकिन कैशबुक हमारी जो है उसमें क्योंकि रिकॉर्ड तो हुआ नहीं तो कैशबुक में कोई असर नहीं हुआ, यानी इंक्रीज इन पासबुक लेकिन बट नॉट इंक्रीज इन कैशबुक, सेम ऐसे डिक्रीज इन कैशबुक बट पासबुक बट नॉट इन कैशबुक। अच्छा, एरर की बात करें तो एरर या तो कैशबुक में होगा या सिर्फ पासबुक में होगा, और इसका भी सेम वही इफेक्ट होगा जो हमने यहाँ देखा। अब इसके आगे, ठीक है, देखिए अब तक आपने जितना भी समझा, ठीक है, अब देखें अगर ध्यान से तो अल्टीमेटली अगर बात करें तो मैं कह सकता हूँ जो हमारे इफेक्ट्स जो हैं, ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूँ इंक्रीज इन कैश बुक, मतलब जो एरर होता है या टाइमिंग गैप है किसी एक जगह हुआ, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कैश बुक मेरी बढ़ गई, ठीक है, जैसे आप इंक्रीज इन कैश बुक बट नॉट इंक्रीज इन पासबुक, देखो यहाँ पे भी बताया था, तो इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखो इंक्रीज इन कैश बुक बट नॉट इंक्रीज इन पासबुक, ठीक है, चार पॉइंट बनते हैं भाई, डिक्रीज इन कैश बुक बट नॉट डिक्रीज इन पासबुक, ठीक है, इनको समझते हैं जरा। तो इन दो पॉइंट्स के बारे में पहले बात करते हैं, ठीक है, पासबुक और कैश बुक, इंक्रीज इन कैश बुक बट नॉट इंक्रीज इन पासबुक, कि भाई मेरी कैशबुक तो बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, ठीक है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, पासबुक में या कैशबुक में, इस पहले पॉइंट का, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इंक्रीज इन कैशबुक, तो इफेक्ट की अगर बात करें तो इफेक्ट हमारा कैशबुक पड़ा। देखिए इफेक्ट जब मैं बात करता हूँ तो इफेक्ट किसी एक ही जगह पड़ेगा, या तो कैशबुक में या पासबुक में, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इफेक्ट दोनों जगह पड़े, किसी एक ही जगह पड़ेगा, या तो कैशबुक में इफेक्ट पड़ेगा या फिर हमारे पासबुक में। तो ये जो पहला पॉइंट है इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, कैशबुक पे या पासबुक पे, तो इंक्रीज इन कैशबुक बट नॉट इन पासबुक, पासबुक में नहीं, कैशबुक बढ़ गई है तो इसका इफेक्ट कैशबुक में पड़ा, क्या पड़ा भाई, कैशबुक हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक है। ऐसे दूसरे पॉइंट को जरा देखो, डिक्रीज इन कैशबुक बट नॉट इन पासबुक, कैशबुक कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई, तो डिक्रीज इन कैशबुक, भाई कैशबुक हमारी कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, कैशबुक पे। अब देखो होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये पासबुक और ये हमारा कैशबुक, ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट इंक्रीज इन कैशबुक बट नॉट इंक्रीज इन पासबुक, पे कैशबुक बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी। अगर मैंने इनको दोनों को बराबर लाना है, बैलेंस करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं, पहला रास्ता भाई पासबुक को भी बढ़ा दो, बराबर आ गए, दूसरा रास्ता कैशबुक को कम कर दो, दोनों बराबर आ गए, है ना। आपको बस ये देखना है दोनों दोस्तों में दोस्ती करानी है, भाई दोनों में डिफरेंसेस आ गए ना दोनों दोस्तों में। फिर से देखो पहला पॉइंट इंक्रीज इन कैशबुक बट नॉट इन पासबुक, भाई कैशबुक बढ़ गया लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, दोनों को बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, दो रास्ते हैं, या तो पासबुक को प्लस कर दो या फिर कैशबुक को माइनस कर दो, तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन, क्या कहेंगे सॉल्यूशन, कि आपको सॉल्यूशन बताना है, भाई उपाय बताना है
जिससे कि दोनों दोस्तों में दोस्ती हो जाए। तो उस उपाय को बोलते हैं प्लस या माइनस, कि भाई मैं प्लस करूं कि माइनस करूं। इफेक्ट को बोलते हैं इंक्रीज या डिक्रीज, और सॉल्यूशन को बोलते हैं प्लस या माइनस, कि भाई इफेक्ट किस पे पड़ा पहले तो ये देखें, और फिर सॉल्यूशन क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है फिर ये देखें। तो पहला पॉइंट, ठीक है, तो पहला पॉइंट इंक्रीज इन कैश बुक, है ना, कैश बुक बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं। सॉल्यूशन बताना है, तो कि अगर मैं जो एडजस्टमेंट है कैश बुक में करूं, अगर मैं कैश बुक में करूं तो मैं माइनस करूंगा, ठीक है, अगर मैं एडजस्टमेंट पासबुक में करूं तो मैं इसे प्लस करूंगा, ठीक है। तो आपको बस इतना देखना है कि सॉल्यूशन करना किससे है, जैसे बोले आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, या आपका ड्राइवर कौन है, मैं इसे ड्राइवर कहता हूं, ठीक है। तो ड्राइवर अगर कैश बुक है तो कैश बुक के हिसाब से प्लस माइनस करेंगे, ड्राइवर अगर पासबुक है तो पासबुक के हिसाब से प्लस माइनस करेंगे। अभी आप दिमाग में सोचिए ड्राइवर को कैश बुक, मतलब कैश बुक में प्लस माइनस करना है, तो फिर से पहला पॉइंट सोचिए इंक्रीज इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, कैश बुक बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी। ड्राइवर कैश बुक है तो बताओ प्लस करो कि माइनस करो, ड्राइवर कैश बुक है ना तो क्या करेंगे माइनस। हालांकि पासबुक को प्लस कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा ड्राइवर कैश बुक है तो जो ड्राइवर होगा उसी को प्लस या माइनस करना होगा, करने को पासबुक भी कर सकते हैं, लेकिन पासबुक तब जब पासबुक हमारा ड्राइवर होगा, जब मैं कहूँगा पासबुक को ड्राइवर मानिए। अभी मैंने किसको ड्राइवर मानने को कहा, कैश बुक को, तो कैश बुक के हिसाब से सोचिए। फिर से पहला पॉइंट इंक्रीज इन कैश बुक बट नॉट इंक्रीज इन पासबुक, कैश बुक बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, ड्राइवर मेरा कैश बुक है तो मैं इसे क्या कर दूंगा माइनस। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी, सॉल्यूशन में यहाँ क्या कर देंगे माइनस। ये आपको समझ में आ गया, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिएगा, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी इस चैप्टर में। मतलब सबसे, मतलब कह सकते हैं आपका जो कॉन्फिडेंस, मतलब जो चैप्टर होगा, जो सबसे बढ़िया चैप्टर जो होगा वो BRS होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए, डिक्रीज इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, कैश बुक कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई, बैलेंस करना है। मैंने कहा ड्राइवर कौन है, कैश बुक, तो कैश बुक के हिसाब से क्या करूंगा प्लस, बराबर आ गए। हालांकि पासबुक माइनस हो सकता है, बराबर आ जाएंगे, लेकिन ड्राइवर कौन है, कैश बुक, ठीक है। वो ड्राइवर कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे सवाल में, वो चिंता मत करो, मैं बताऊंगा, जब मैं आपको सवाल कराऊंगा तब भी बताऊंगा। अभी समझ लीजिए ड्राइवर कैश बुक है, तो कैश बुक को प्लस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब ऐसे ही देखो, बाकी दो पॉइंट और थे हमारे, क्या था, इंक्रीज इन पासबुक बट नॉट इंक्रीज इन कैश बुक, और फोर्थ डिक्रीज इन पासबुक बट नॉट डिक्रीज इन कैश बुक, ठीक है। तो फिर से इफेक्ट देखना, सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है, इफेक्ट। तो ये क्या, थर्ड पॉइंट इंक्रीज इन पासबुक, तो किस पे इफेक्ट पड़ा, पासबुक पे। ध्यान रखना इफेक्ट या तो कैश बुक में पड़ेगा या पासबुक में, ऐसा नहीं हो सकता दोनों जगह इफेक्ट पड़ जाए, किसी एक ही जगह इफेक्ट पड़ेगा। तो इंक्रीज इन पासबुक, पासबुक बढ़ गया लेकिन कैश बुक, अब दोनों को बराबर करना है। तो देखो रास्ते हमारे पास दो हैं, या तो मैं पासबुक को कम कर दूं या फिर कैशबुक को बढ़ा दूं, दोनों ही सही हैं। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, ड्राइवर किसे मानोगे, कैशबुक को, तो कैशबुक के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। कैशबुक के अकॉर्डिंग मतलब सोचो आप, ठीक है। तो देखिए पहले इफेक्ट सोचो, इफेक्ट पहला स्टेप, इफेक्ट हमेशा ध्यान रखिएगा दो स्टेप होते हैं, क्या कितने, दो स्टेप। स्टेप वन, पहले आपको इफेक्ट सोचना है, और फिर इफेक्ट टू, सॉरी स्टेप टू, स्टेप टू में आपको सॉल्यूशन सोचना है। यानी पहले आपको देखना कि भाई ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, पहले ये इफेक्ट सोचो, फिर आप सॉल्यूशन सोचेंगे प्लस करना है कि इसे माइनस करना, बस इतनी सी बात और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए तो पहला पॉइंट, थर्ड पॉइंट फिर से एक बारी, इंक्रीज इन पासबुक, तो इफेक्ट किस पे पड़ा, पासबुक पे, तो मैं इसको पासबुक को बढ़ा देता हूँ। अब आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। ड्राइवर ध्यान रखना कौन है, कैश बुक, कैश बुक के हिसाब से सोचिएगा। तो इंक्रीज इन पासबुक, पासबुक बढ़ गई लेकिन कैश बुक नहीं बढ़ी, बैलेंस करना, क्या करो, कैश बुक को प्लस कर देंगे, ड्राइवर कैश बुक है तो ठीक है, तो ड्राइवर कैश बुक है भाई, उसके हिसाब से सॉल्यूशन सोचना है। फोर्थ पॉइंट, पासबुक कम हो गई है, कैश बुक कम नहीं, बैलेंस करना है, ड्राइवर कौन है, कैश बुक, तो कैश बुक के हिसाब से इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इफेक्ट हुआ पासबुक कम हो गई और सॉल्यूशन माइनस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये इफेक्ट जो है, सॉरी पासबुक में था, जहाँ ये पासबुक बढ़ी है और पासबुक कम हुई है, हाँ इसको ठीक कर रहे थे, ठीक है। तो इफेक्ट ध्यान रखना, ये तो कैशबुक में होगा या पासबुक में, दोनों जगह इफेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा अगर मैं आपका ड्राइवर बदल दूँ तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। पहला पॉइंट फिर से देखिए, पहला पॉइंट इंक्रीज इन कैशबुक, इफेक्ट तो देखो वही रहेगा, कैशबुक हमारी बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी। अब ड्राइवर पासबुक के हिसाब से, तो पासबुक के हिसाब से बताओ प्लस करूँ माइनस, तो बिल्कुल ठीक प्लस कर देंगे,
तो पासबुक को हमने कर दिया यहाँ पर प्लस। अच्छा दूसरा पॉइंट, डिक्रीज इन कैशबुक बट नॉट इन पासबुक, कैशबुक कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। फिर से ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो पासबुक के हिसाब से क्या कर देंगे माइनस, तो ये पासबुक में माइनस में आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट इफेक्ट देखना, इंक्रीज इन पासबुक, इफेक्ट पासबुक बढ़ गई बट नॉट इन कैशबुक, बैलेंस करना है। ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो पासबुक के हिसाब से माइनस कर देंगे। हाँ जी ये उल्टा हो रहा है, लेकिन आप उल्टे ऐसे मत सोचेगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलिएगा, पहले इफेक्ट और फिर सॉल्यूशन। अच्छा मुझे कैसे पता चला आपके मन की ये बात, देख 25 साल हो गए पढ़ाते हुए बच्चों, मुझे पता है आप जब सोचते हैं तो क्या सोचते होंगे, ठीक है, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो, ठीक है, तो चिंता मत करो, मेरे को आपकी कई सारी मन की बातें पता है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली सोचिएगा, ऐसे नहीं कि हाँ ये प्लस हो रहा है तो उधर उल्टा ही होगा माइनस होगा, ऐसे मत सोचिएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट, डिक्रीज इन पासबुक, पासबुक कम हो गई लेकिन कैशबुक कम नहीं, बैलेंस करना है। ड्राइवर कौन है, पासबुक, तो क्या करेंगे प्लस, ऐसे कॉन्सेप्चुअली सोचना है आपको, ठीक है। चलो जहाँ तक भी बात समझ में आ गई, अब BRS अगर बनाते तो कैसे बनाते, जरा ये देखना है आपको। अब देखो ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बना के देखिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। और ध्यान रखना, जैसे हमारे पास यहाँ पे कैशबुक और पासबुक, ये दो दोस्त हैं, इनमें डिफरेंसेस आ गए, इनमें दोस्ती करानी है। तो दोस्ती जब कराएंगे तो देखो, जैसे एक कैशबुक है और एक पासबुक है, ठीक है, तो या तो कैशबुक से स्टार्ट करेंगे, कैशबुक को पासबुक तक लाएंगे, या पासबुक से स्टार्ट करेंगे और पासबुक को कैशबुक तक लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कुछ कदम आप चलो कुछ कदम चलें, नहीं ऐसा कभी नहीं होता, सारे कदम एक ही दोस्त चलेगा। या तो कैशबुक में कुछ से स्टार्ट करेंगे कैशबुक पासबुक तक आएगा, या पासबुक से स्टार्ट करेंगे पासबुक कैशबुक तक आएगा। कैसे आएगा देखें, तो सबसे पहले देखो, जैसे हमें बैलेंस दिया होगा तो जो बैलेंस दिया होगा उस बैलेंस को लिखेंगे बैलेंस एज पर कैशबुक, ठीक है। मान लेता हूँ मेरे को कैशबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो जो भी बैलेंस दिया होगा उसे प्लस साइड में आपने लिख दिया। अच्छा नॉर्मली मैं वैसे बता देता हूँ, प्लस में कब लिखना होता है, जब हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जब आप सवाल करेंगे तो फेवरेबल बैलेंस को प्लस में लिखते हैं, अगर बैलेंस अनफेवरेबल होता तो हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे सवालों में फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, आने दो सवाल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ध्यान रख लो, जब फेवरेबल बैलेंस होगा तो प्लस में लिखते हैं, ठीक है। अगर यही फेवरेबल की जगह अनफेवरेबल होता तो मैं इसको बैलेंस को माइनस में लिखता, ठीक है। जब सवाल आएगा तो देख लेंगे भाई फेवरेबल अनफेवरेबल क्या है। अच्छा अगेन हमारे वही चार पॉइंट, इंक्रीज इन कैशबुक बट नॉट इंक्रीज इन पासबुक, ठीक है। डिक्रीज इन कैशबुक बट नॉट डिक्रीज इन पासबुक, ठीक है। पहले इन दो की बात करते हैं। अब आपको बताना है ये जो इंक्रीज इन कैशबुक बट नॉट इंक्रीज इन पासबुक, इसको प्लस में लिखूं कि माइनस में लिखूं, बस इतना सोचना है। तो अगेन देखो ये पासबुक ये कैशबुक, अभी जो पॉइंट है पहला पॉइंट इंक्रीज इन कैशबुक, भाई कैशबुक हमारी बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, इफेक्ट देख रहा आपने। ध्यान रखना आपके दो स्टेप होंगे, पहले आपको सोचना होगा इफेक्ट और फिर आपको सोचना होगा सॉल्यूशन। डायरेक्ट सॉल्यूशन सोचोगे गड़बड़ हो जाएगी दोस्त कहीं ना कहीं पक्का। तो पहले इफेक्ट सोचो कि भाई इंक्रीज डिक्रीज कौन सा हो रहा है पहला स्टेप, और फिर दूसरा स्टेप आप सॉल्यूशन देखेंगे प्लस करना है कि माइनस करना है। तो देखो पहला इफेक्ट मैंने देखा, इफेक्ट देखा स्टेप, ये हमारा कैशबुक हमारा बढ़ गया, बैलेंस करना है। ड्राइवर कौन है, तो देखिए ड्राइवर कौन है, ये जो मैंने लिखा ना बैलेंस एज पर कैशबुक, ये कैशबुक से स्टार्ट किया ना मैंने, तो जिससे स्टार्ट किया भाई वो हमारा ड्राइवर हो जाता है, तो कैशबुक हमारा यहाँ पर ड्राइवर है। तो इंक्रीज इन कैशबुक, कैशबुक बढ़ गया लेकिन पासबुक नहीं बढ़ा, बैलेंस करना क्या करूँ, तो ड्राइवर कौन है कैशबुक, यानी प्लस माइनस कैशबुक में करेंगे, तो कैशबुक को क्या कर देंगे माइनस। हालांकि पासबुक प्लस कर सकते हैं लेकिन ड्राइवर पासबुक नहीं है, ड्राइवर कौन है कैशबुक, जो ड्राइवर होगा उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस करेंगे, तो कैशबुक को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा पॉइंट माइनस में। अब दूसरा पॉइंट डिक्रीज इन कैशबुक बट नॉट डिक्रीज इन पासबुक, कैशबुक कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई, दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस करना तो क्या करेंगे, कैशबुक ड्राइवर तो कैशबुक को प्लस कर देंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा प्लस में। तीसरा पॉइंट, अच्छा सॉरी पहले लिख लेता हूँ, इंक्रीज इन पासबुक बट नॉट इंक्रीज इन कैशबुक, ठीक है। डिक्रीज इन पासबुक बट नॉट डिक्रीज इन कैशबुक, ठीक है। पहले इफेक्ट सोचना है फिर सॉल्यूशन। इंक्रीज इन पासबुक, पासबुक बढ़ गई है पर कैशबुक नहीं बढ़ी, दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। दोनों को बैलेंस करना है क्या करेंगे, तो देख ड्राइवर कौन है, ड्राइवर कैशबुक का ध्यान रखना, ड्राइवर कैशबुक है तो कैशबुक को प्लस कर देंगे।
हालांकि पासबुक माइनस हो सकता था, लेकिन पासबुक को माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ड्राइवर को किसको पता है? कैश बुक, ठीक है, ऊपर मैंने लिखा ना कैश बुक बैलेंस, तो जिस बैलेंस से स्टार्ट करेंगे वो ड्राइवर हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट अगेन, इंक्रीज इन पासबुक बट नॉट इंक्रीज इन कैश बुक, बैलेंस करना है तो कैश बुक को हम प्लस कर देंगे, तो ये पॉइंट आ जाएगा प्लस में। चौथा पॉइंट, पहले इफेक्ट, डिक्रीज इन पासबुक बट नॉट डिक्रीज इन कैश बुक, पासबुक कम हो गई लेकिन कैश बुक कम नहीं हो, ड्राइवर कौन है? कैश बुक, क्या करेंगे? माइनस, तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस में। तो इसी तरीके से देखो ये चार ही पॉइंट होते हैं, और सोच समझ के आपने प्लस माइनस में इसको लिखना है, और फिर आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे लास्ट में, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इस तरफ। ये जो बैलेंस आएगा आप इसे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा है ड्राइवर पासबुक होगा तो कैसे करेंगे, तो चलो एक बार सोच लेते हैं, देख लेते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एज पर पासबुक। अच्छा, वही ध्यान रखना, अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो प्लस में लिखेंगे, अगर अनफेवरेबल होगा तो हमें बैलेंस को माइनस में लिखना है। कैसे पता चलेगा सवाल में फेवरेबल अनफेवरेबल, तो चिंता मत करो मैं बताऊंगा आपको जब हम सवाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगेन वही चार पॉइंट, इंक्रीज इन कैश बुक बट नॉट इंक्रीज इन पासबुक, ठीक है, डिक्रीज इन कैश बुक बट नॉट डिक्रीज इन पासबुक। तीसरा पॉइंट, इंक्रीज इन पासबुक बट नॉट इंक्रीज इन कैश बुक, डिक्रीज इन पासबुक बट नॉट डिक्रीज इन कैश बुक, ठीक है। तो देखिए पहले इफेक्ट सोचना आपको, पहले पॉइंट का, तो इंक्रीज इन कैश बुक, कैश बुक हमारी बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, बैलेंस करना क्या करें? तो ड्राइवर इस बार कौन है? पासबुक। कैसे पता चला पासबुक है? क्योंकि आपका तो स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, तो यहाँ पे पासबुक से हमने स्टार्ट किया है, तो ड्राइवर पासबुक है, तो जो प्लस माइनस होगा वो पासबुक के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले इफेक्ट देखिए, तो इंक्रीज इन कैश बुक, कैश बुक बढ़ गई लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी, तो इस बार ड्राइवर पासबुक है तो क्या करेंगे? पासबुक को प्लस कर देंगे, तो ये पहला पॉइंट प्लस में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, डिक्रीज इन कैश बुक, कैश बुक कम हो गई, इफेक्ट है, अब आपको सॉल्यूशन करना है, तो बताइए क्या करेंगे? ड्राइवर कौन है? पासबुक, तो पासबुक को माइनस करेंगे, बिल्कुल ठीक। तीसरा पॉइंट, इंक्रीज इन पासबुक, इस बार पासबुक बढ़ गई कैश बुक नहीं बढ़ी, ड्राइवर कौन है? पासबुक, तो क्या करेंगे? पासबुक को माइनस कर देंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, डिक्रीज इन पासबुक, इफेक्ट हमारा क्या है? पासबुक हमारी कम होगी, बैलेंस करना, ड्राइवर कौन है? पासबुक, तो पासबुक को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे बैलेंस बराबर आ जाएंगे। तो अब इसके बाद हम इसको वही बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, तो बैलेंसिंग जब करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। फेवरेबल बैलेंस, अगर बैलेंस इस तरफ आता है मतलब फेवरेबल, और बैलेंस इस तरफ आता है मतलब अनफेवरेबल, और यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो ये हम पासबुक के बैलेंस से कैश बुक के बैलेंस तक पहुँच जाते हैं। इसी तरीके से हमें सवाल करने हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के भी बेसिक के बारे में, या किसी टॉपिक के बारे में, किसी चैप्टर के बारे में जानना है, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल बातें समझनी है, कहीं किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्दी उस पर वीडियो बना के आपको मैं शेयर करूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, अच्छी स्टडी करें, और अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करें, और अकाउंट्स में अपने करियर को आगे बढ़ाएं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।